छू 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 हे हे नमस्ते फीजी, आपके हर एक प्रॉब्लम की दवा लेकर मैं आ गई हूँ 9 से 12 बजे तक आपकी सहेली रेनू। छू 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 40 में 20 का दिखना है। मैं हूँ ना आपके साथ में मिर्ची एफएम पर 9 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। मिर्ची इट्स हॉट। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं एडविन्ना। सरकार ये निर्णय ले रही है कि वे कैसे अगले साल $250 मिलियन US बॉन्ड को भर सकें। फाइनेंस परमानेंट सेक्रेटरी फिलिमोनी वांगम्बादा के अनुसार अन्य इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातें हो रही है ताकि वे कोई सोल्यूशन पर आ सके। वांगम्बादा ने कहा है कि वे चाहते हैं कि सरकार लोन को एक ही पेमेंट में भरे। बॉन्ड को 2011 में लिया गया था ताकि देश में रास्ते तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आ सके। फीजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर ने आज स्टेटिस्टिक्स रिलीज किया है जिसमें ये दर्शाती है कि देश में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप में वृद्धि हो रही है। अभी तक सेंटर ने 22 ऐसे केसेस को अटेंड किया है जबकि पिछले साल 62 टोटल केसेस थे। पति अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध कायम कर सकते हैं, हालांकि जबरदस्ती करने की अनुमति नहीं है। पत्नी के पास शारीरिक संबंध कायम करने से इनकार करने का पूरा अधिकार है। शादीशुदा जिंदगी में बलात्कार को अपराध माना जाता है और इसके लिए उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इमाम अफरोज अली के अनुसार टेररिस्ट ग्रुप आईसिस के साथ उन युवा लोग जुड़े हैं जिनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इमाम अली ने कल रात्रि को FBC TV के फॉर द रिकॉर्ड प्रोग्राम में बातें करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में आईसिस ग्रुप के साथ ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स भाग ले रहे हैं। उनके अनुसार ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय लोग आईसिस ग्रुप के वीडियोस तथा जानकारी को एक्सेस कर रहे हैं जो टेररिस्ट ग्रुप रिक्रूटमेंट में इस्तेमाल करी जाती है। उनके अनुसार फीजी टेररिस्ट ग्रुप को लेकर डायरेक्टली खतरे में नहीं है, हालांकि देश को इससे सतर्क रहना जरूरी है। और खेलकूद में वेलिंगटन फीनिक्स टीम ने आज नांदी मुस्लिम कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल क्लिनिक रखा। कॉलेज फुटबॉल कोच नदीम मोहम्मद ने कहा कि इस क्लिनिक से आने वाले स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए प्लेयर्स को बूस्ट मिला है। फिलहाल फीजी सीनियर साइड और वेलिंगटन फीनिक्स के बीच मैच कल रात्रि को 6 बजे कोविंद पार्क बा में शुरू होगा और इस मैच की आप लाइव कमेंट्री रेडियो फीजी 2 पर वॉइस ऑफ सोका रेमन स्टोरार्ड के साथ सुन सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। मैं हूं एडविन नंद, नमस्कार। आदाब, नमस्ते फीजी, अ वेरी वेरी गुड डे। लजीज खाने, प्यारे प्यारे गाने, समाचार, चुलबुली पहेलियां, सुहाना सफर में 12 से 4 बजे तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर।